मैं कॉलेज में था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ साइंटिस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिटर ट्रुथ फॉर यू एज वेल, मेरे को डिसएग्री करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं जब कॉलेज में गया था तो मैं बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गया था। लेकिन सच बताऊं तो सीनियर्स ने वो एक्सपेक्टेशंस या प्रोफेसर्स ने वो एक्सपेक्टेशन तोड़ दी थी, ठीक है। और रियलिटी में इंजीनियरिंग में कोई ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। मेरे को साइंस के साइड इंक्लिनेशन हुआ तो मैंने रिसर्च करने की सोची। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास दो रिसर्च पेपर्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। और फिर मैंने सोचा था कि कॉलेज के बाद हम लोग रिसर्च करें। कॉलेज के बाद हम लोग ISM टू IIT का कैंपेन चलाया हम लोगों ने। वी वर द लास्ट बैच जिन्होंने IIT में कन्वर्ट कराया, ठीक है। टीचिंग करता था और उसका पैसा हम लोग अपनी कंपनी में लगा के उसको चलाते थे। तो मैं अपना घर भी चलाता था उस पैसे से, और मेरे साथ 4-5 बंदों की टीम थी जिनके साथ हम लोग रात भर काम भी करते, ठीक है। फिर ये प्रोसेस चलता रहा। जिस दिन स्टार्टअप खत्म हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं यार, टीचिंग वॉज नॉट मेड फॉर मी, ठीक है। मैं तो इसलिए कर रहा था, इसलिए मजा भी आ रहा था टीचिंग करने में, इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अपना स्टार्टअप करना। फिर देन आई रियलाइज कि यार स्टार्टअप नहीं तो टीचिंग नहीं, तो वहां पे मैंने अपनी टीचिंग को हॉल्ट किया। और फिर मैंने कहा कि यार रिसर्च वॉज द प्लान फर्स्ट, तो वहीं पे चलते। तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी कोचिंग छोड़ के, घर की प्रॉब्लम्स के साथ। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे को बस 6 महीने दो, मैं सारा चीजें क्लियर करूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे कई फ्रेंड्स ने मेरे को लोन दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए एंड ऑल सारी चीजें करने के लिए। 3 साल हो चुके थे कॉलेज को पास किए, तो मेरे को यह था कि सारा का सारा रिवाइज करना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। तो मैंने अपने कोचिंग ली एक, और उसमें दिन रात मेहनत करी। विद इन 6 months मैंने जितने भी एग्जाम्स में बैठा मैंने क्लियर करा। और फिर मेरे को दिल्ली नहीं छोड़ना था, इसलिए मैंने इसरो की जॉब छोड़ी। मेरे को मौसम विभाग में यहीं पर दिल्ली में ही जॉब मिल रही थी, तो मैंने दिल्ली की जॉब सेलेक्ट करी। फिर उसके बाद जब PW का आया तो फिर आई हैड एन ऑप्शन कि क्या मेरे को टीचिंग में जाना है या गवर्नमेंट सर्वेंट रहना है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, लेट्स मेक अ कॉल। अब टीचिंग के साथ इंक्लिनेशन तो आई गया था, लेकिन यस, टीचिंग का सेकंड डिसीजन मेरा था। मैं जबरदस्ती टीचिंग में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी मजबूरी थी, सेकंड डिसीजन मेरा था।